खबर शिवपुरी से, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करने के चलते 50 से अधिक लोगों को अस्थायी जेल जाना पड़ा। साथ ही प्रशासन ने दुकान में भीड़ इकट्ठा होने पर 4 दुकानों को एक दिन में सील कर दिया। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण जारी है और प्रशासन लगातार संक्रमण रोकने के लिए पुख्ता कदम उठा रहा है। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी के मद्देनजर शिवपुरी में प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर न सिर्फ चालानी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाले 4 दुकानों को एक दिन के लिए सील कर दिया। कार्रवाई हमारी नहीं है, लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना के प्रति अवेयरनेस के लिए मैं और एडीएम साहब और हमारा पूरा अमला माननीय कलेक्टर और एसपी सर के निर्देशन में हम लोगों ने शहर भ्रमण किया है। कई लोगों ने इसका उल्लंघन करते पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध एक दिन की जेल का जो प्रावधान है वो हमने कुछ कोविड लोगों पर कार्रवाई करी है और चालानी कार्रवाई के साथ साथ और कुछ ऐसी दुकानें जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था प्लस मास्क यूज नहीं कर रहे थे, तो उन ऐसी दुकानों को हमने लगभग 4 दुकानों को सील किया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 50 से अधिक लोगों को अस्थायी जेल में भेजकर उन्हें कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान कलेक्टर का कहना था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोग मास्क पहनकर और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके ही बच सकते हैं, लिहाजा उन्हें इसका पालन करना चाहिए। जिस तरीके से शिवपुरी जैसे छोटे शहर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं, शासन के जो बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, सैनिटाइज का उपयोग करना, ये तमाम सारी समझाइश अभी तक हम बड़े दे रहे थे, लेकिन आज हम रोड पे निकले और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे समझाइश के बतौर उन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किए और उन लोगों को समझाई दी कि भविष्य में बगैर मास्क के नहीं निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरत है कि लोग गाइडलाइंस का पालन करें और खुद से सतर्कता बरतते हुए लोगों को भी आगाह करें, क्योंकि बिना लोगों के प्रयास से इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। शिवपुरी से KK दुबे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।